तो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी एक बात कि जैसे ही कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला होता है तो सवालों का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है, सवालों का पिटारा बनने लग जाता है। उसी पिटारे में से एक और क्वेश्चन आज मैंने उठाया है और उसका आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेवल ऑफ जीए इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। सो एज यू ऑल नो दैट आरबीआई 2023 नोटिफिकेशन इज नाउ अराउंड द कॉर्नर और एक दो महीने में आई बिलीव नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। सो ऐसे में व्हाट इज द लेवल ऑफ जीए इन आरबीआई ग्रेड बी 2023 या फिर इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसका आंसर हमें पता होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो कि फेज वन में जीए का क्या इंपॉर्टेंस है। If you want to clear the phase one, अगर आपका GA अच्छा नहीं है then you cannot clear the phase one. Because quant और reasoning का level मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उस level को देखते हुए हमारा जो major focus है वो किसके ऊपर होना चाहिए, GA के ऊपर होना चाहिए। Because वहां पे 80 questions है, which means 40% of the question paper consists of GA. तो ऐसे में you cannot ignore GA. आप उसको ignore कर ही नहीं सकते, you don't have any option. If you are ignoring GA, then please don't prepare for the examination, there is no use of it. Alright, so ab GA ki preparation karne se pehle we should know that what is the level of GA, right? So first aapke dimag mein ye sawal aa raha hoga, aap mein se kai log hain jo ki ye soch rahe honge abhi that why is it necessary to know the level of GA. bhai aap is video ko kyu bana rahe hain, is video ko banane ka objective kya hai? kyunki yaar ek baat batao, agar aap kisi cheez ki preparation karne ja rahe ho aur aap uske bare mein jante hi nahi ho, ठीक है, when you are starting preparing for anything and if you don't know anything about it, then आप strategize कैसे करोगे? How will you strategize कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है? How will you strategize that from where to study, how much to study, how to study? ये सारे questions का answer आपको तभी मिलेगा when you know the level कि किस level का पूछा जा रहा है, right? तो इसीलिए you should know the level of GA as well, because GA की importance बहुत ज्यादा है। अगर importance नहीं होती तो मैं कहता कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लो हो जाएगा, बट जीए की लेवल, जीए का जो इंपॉर्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि यू शुड नो द लेवल, यू मस्ट नो द लेवल ऑफ जीए एंड स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब बहुत सारे लोग होंगे, आप जितने लोगों से पूछोगे आपको उतने आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, आपने पूछा भी होगा कि यार जीए का लेवल ईजी होता है, टफ होता है या मॉडरेट होता है, तो कुछ ऋतिक जैसे ओवर स्मार्ट लोग होंगे, स्मार्ट लोग होंगे, नॉट ओवर स्मार्ट, जिनके लिए ये लेवल बहुत इजी होगा, दीज आर द परफेक्ट वंस इन द वर्ल्ड, ये लोग वो हैं जो कि परफेक्ट है, इनके लिए ये लेवल बहुत इजी हो सकता है। फिर कुछ मिस्टर अभय देओल जैसे होंगे जिनको लगता होगा यार मान ले मॉडरेट तो मान ले कम से कम, ठीक है इतना भी ईजी नहीं था मॉडरेट तो मान ले, 2022 के पेपर की अगर मैं बात करूं तो इट वॉज नॉट दैट ईजी। और फिर कुछ मेरे जैसे लोग होंगे जिनका ये मानना होगा कि यार ये दोनों तो इजी इजी और मॉडरेट पे लड़ रहे, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट? आप में से कई होंगे मेरी तरह जिनको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पेपर था, तो ये दोनों लौंडे कैसे इजी और मॉडरेट पे लड़ रहे। तो जितने लोगों से सवाल पूछोगे उतने आंसर आपको मिलेंगे, सो इट्स बेटर कि आप खुद रियलाइज करो या फिर मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपको जो ओपिनियन दे रहा हूं अपना उसके ऊपर ट्रस्ट करो और उसी के अकॉर्डिंग काम। सो इन माई ओपिनियन, In my opinion, the level of GA in RBI Grade B, guys, is difficult. ठीक है? अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ठीक है आपने difficult तो बोल दिया, तो क्या इसके लिए आपके पास कोई सबूत है वकील साहब? तो हाँ जी बिल्कुल है सबूत, मैं आपको evidence के साथ बताता हूँ। Types of questions से हम identify करेंगे जो 2022 में आए हैं, उससे हम identify करेंगे कि क्यों मैं इस level को difficult कह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के बाद, मैं ऐसे ही डिफिकल्ट नहीं बोल रहा कि ठीक है भाई आपको डराने के लिए डिफिकल्ट बोल दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कैलकुलेशंस के बाद मैंने बहुत बार जोड़ा घटाया गुणा किया भागाकार किया और सिर्फ एक ही जवाब मिला, दैट सम क्वेश्चंस इन 2022 एग्जामिनेशन, जो 2022 का एग्जामिनेशन था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मॉडरेट थे बट बहुत सारे एट द सेम टाइम डिफिकल्ट थे, तो जो ओवरऑल लेवल बनेगा दैट वुड बी डिफिकल्ट, that it is in my opinion. और अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो आप भी मान के चलो कि यस ये जो लेवल है डिफिकल्ट है। ये सारी चीजें अगर आप आइडेंटिफाई करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप किसी एक सोर्स को ट्रस्ट करो, चाहे वो मैं हूं या कोई और है। मैं नहीं कहता कि मेरे पे ट्रस्ट करो ब्लाइंडली, किसी और पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, पर जिस पे करो अच्छे से करो और जो वो कह रहे हो सुनो।
तो जो लेवल है वो क्या है, डिफिकल्ट है। अब अगेन सवाल वही है कि क्यों डिफिकल्ट है, तो वो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू से बताता हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग थ्रू सम एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहली बात यह है कि डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो दिन अब चले गए आरबीआई ग्रेड बी में, जब एक लाइन का क्वेश्चन होता था जीए में और उसका फटाफट से आंसर मार के हम आगे चल जाते थे। गॉन आर द डेज। अब क्या हो रहा है कि इसमें पहली बात तो यह है कि इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दिए हैं फेज वन में भी। पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन केवल ईएसआई फेज टू में आते थे, बट नाउ सो मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2020 एग्जामिनेशंस वर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स इन जीए इन फेज वन, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन नहीं थे। ऐसा नहीं था कि किसी स्कीम का लॉन्च ईयर पूछ लिया सिर्फ या मिनिस्ट्री पूछ ली, ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन थी इस तरीके के, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है, बट यस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं खुद भी गया था पेपर देने के लिए तो मुझे पता है, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं खुद भी गया था तो मुझे पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आपको करेक्ट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कुछ तो भी बतानी थी, एंड देयर वर थ्री और फोर स्टेटमेंट्स। अब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूं कि लेट्स से देयर आर थ्री स्टेटमेंट्स और फोर स्टेटमेंट्स, लेट्स से देयर आर फोर स्टेटमेंट्स। अगर इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको एक क्वेश्चन भी, एक स्टेटमेंट भी अगर नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो यू शुड नो, यू मस्ट नो ऑल दी फोर स्टेटमेंट्स, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। या फिर अगर किसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन चल गया तो वो आपकी किस्मत है, अदरवाइज ओवरऑल अगर हम देखें तो वो करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर चार स्टेटमेंट्स गिवन है तो आपको चारों स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए, या वो सही है या गलत है, तभी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब गवर्नमेंट स्कीम को भी आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के जाना पड़ेगा फॉर फेज वन, राइट? एंड दैट इज वाई, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये डिफिकल्ट है। एंड नॉट ओनली दिस सिंगल क्वेश्चन, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे पीएम स्वनिधि स्कीम पे भी क्वेश्चन था एक, राइट? और गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उसमें बहुत सारे थे, लाइक आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट पे क्वेश्चन था, उसमें भी तीन या चार स्टेटमेंट थे। और अगर आपको एक भी स्टेटमेंट नहीं पता, ठीक है, आपको चार स्टेटमेंट गिवन है, तीन पता है एक नहीं पता है, आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, और करोगे तो गलत होगा। एंड ऑफ कोर्स जब नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसा रिस्क हम नहीं लेना चाहते, ऑलराइट? तो पहला रीजन तो ये हो गया कि मैं इसको डिफिकल्ट कह रहा हूं। दूसरा रीजन ये है कि क्वेश्चन जो थे बहुत इनडायरेक्ट थे। फॉर एग्जाम्पल एक अटल पेंशन योजना का क्वेश्चन था जिसमें यह पूछा था दैट एन 18 years ओल्ड पर्सन has enrolled himself in Atal Pension Yojana. If he wants to have rupees 5,000 as pension after his retirement, how much amount he would have to contribute? अगर उसको 5,000 रुपया as pension चाहिए तो उसको कितना पैसा contribute करना पड़ेगा fund? अब देखो पहले ऐसा होता था कि let's say अगर Atal Pension Yojana से question है तो question ये होता था कि भाई when was the scheme launched? Which ministry is implementing it? इस तरीके के basic questions होते थे, but these days दे आर आस्किंग कि 5,000 रुपए पेंशन लेने के लिए उसको कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टूवर्ड्स द फंड, राइट? सो द क्वेश्चन इज यू नो फ्रॉम द वेरी इजी स्कीम अटल पेंशन योजना, बट द क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट दैट इजी, बिकॉज जनरली क्या ये बहुत जो है डीप इंफॉर्मेशन है जो कि जनरली स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं, ठीक है? ये हमने पीडीएफ में दे रखा है ऑल्दो, बट जनरली ये ट्रेंड रहता है कि स्टूडेंट इस चीज को अवॉइड कर देता है। तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है, अब से आपको एक एक डिटेल पढ़ के जानी है फॉर ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी आपको प्रोवाइडेड है इन द पीडीएफ, ऑलराइट? देन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में एक फेडरल रिजर्व से क्वेश्चन था, फेडरल रिजर्व न्यूज में था ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि उसका कुछ चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपॉइंट हुआ था, बट उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि वेन इट वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो फेडरल रिजर्व का एस्टैब्लिशमेंट ईयर ये हम क्यों ही पढ़ेंगे, राइट? अगर मैं ये न्यूज पढ़ भी रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ऐसे पढ़ना है कि मुझे फेडरल रिजर्व के बारे में सब कुछ जानना है। नाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट। अब की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप करंट की न्यूज पढ़ लो, करंट में जितनी चीजें गिवन है, फॉर एग्जांपल फेडरल रिजर्व के बारे में कोई करंट अफेयर्स है तो फेडरल रिजर्व के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि फेडरल रिजर्व का बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि हम पीआईबी में करते हैं कि सिर्फ हम अगर स्कीम से रिलेटेड कोई न्यूज है तो वो नहीं पढ़ते, स्कीम भी पढ़ते हैं साथ में। So, ऐसा ही आपको फेज वन के लिए भी अब से करना पड़ेगा, ऑलराइट? सिमिलरली
एडिशनल सब्सिडी के ऊपर क्वेश्चन था, ओवरऑल सब्सिडी पे क्वेश्चन नहीं था, एडिशनल सब्सिडी पे क्वेश्चन था, तो आई विल अगेन कंसीडर दिस क्वेश्चन एज डिफिकल्ट। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारा फैक्ट और बहुत सारा यू नो स्टैटिक चीजें आपको याद करनी होती है, उसमें फिर एडिशनल सब्सिडी भी कौन ही याद करता है, बट क्वेश्चन पूछा गया राइट। इसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है, पहले ऐसा होता था कि केवल वो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेते थे, ऑल द 80 क्वेश्चंस वर फ्रॉम करंट अफेयर्स, बट अब ऐसा नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने फाइनेंस के क्वेश्चन पूछ डाले, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड यील्ड एंड प्राइसेस, ठीक है, बॉन्ड रेट्स या फिर बॉन्ड यील्ड्स और प्राइसेस के बीच में रिलेशन पूछा हुआ था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंस फेज टू में पूछा जाना चाहिए था, बट उन्होंने फेज वन में ही पूछ लिया। तो क्या आप इसको इजी बोलोगे? नहीं, इट इज नॉट इजी। इसी तरीके से आरआरबी में जो सेंटर स्टेट और स्पॉन्सर बैंक की जो परसेंटेज शेयर होता है वो पूछा हुआ था, ऑल्दो ये इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट यस अगेन स्टैटिक क्वेश्चन, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग स्टैटिक क्वेश्चन इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम अगर मैं पीछे के ट्रेंड की बात करूं तो, बट इस बार उन्होंने पूछा। एंड ऐसे ही, व्हेन इज अ बैंक कस्टमर एलिजिबल टू बी इंश्योर्ड अंडर डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन फॉर हिज डिपॉजिट्स मेड इन अ बैंक, मतलब डीआईसीजीसी स्कीम के अंडर अगर मेरे को इंश्योर्ड होना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सो यू कैन सी ये चीजें जो है इतनी आसान नहीं है, ये एग्जाम से बाहर जब हम होते हैं तो हमें बहुत आसान लगती है, बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम गाइस, जैसे एवरी डार्क क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग, उसी तरीके से आरबीआई ग्रेड बी का जो 2022 का एग्जाम था उसमें अमंग वेरियस डिफिकल्ट क्वेश्चंस देयर वर सम इजी क्वेश्चंस एज वेल, कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे 80 के 80 क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे इजी क्वेश्चन जिनका फायदा उठा के लोगों ने अपनी कट ऑफ को क्लियर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था, सिटी ऑफ गुआडलाहारा जो कि वर्ल्ड बुक कैपिटल है 2022 की, ये कौन से कंट्री का है, तो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, मेक्सिको। थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022 पूछा था, फॉर विच स्टेट डी लिमिटेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर था इसका आंसर। तो ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था वो डिफिकल्ट था, ऐसा नहीं था कि यार सारे के सारे 80 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि ईजी थे। सो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू हैव टू आइडेंटिफाई, यस अब ये आपकी ड्यूटी बन जाती है, इम्प्रोवाइजेशन आपको करना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन की, यस ये क्वेश्चन तो आसान है इसको मैं जल्दी से करके आगे बढ़ता हूं, या फिर एक नजर में आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है इस क्वेश्चन को मैं सेकेंड राउंड में देखूंगा या अभी अटेम्प्ट करूंगा, दिस यू हैव टू डिसाइड राइट। सो दिस वॉज द लेवल ऑफ जी एंड दैट इज वाई आई एम कॉलिंग इट डिफिकल्ट। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई है, बट द क्वेश्चन इज वॉट इज द स्ट्रैटेजी, वॉट शुड बी द स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी के लिए मैंने 2022 के पेपर के लिए एक वीडियो बनाई थी, दिस इज हाउ यू स्कोर 70+ इन जीए राइट। ऑल्दो 70+ स्कोर करना इज टू मच डिफिकल्ट नाउअडेज, ठीक है, बट जो सोर्सेज है जो तरीका है वो वही रहेगा, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको देखो, आपको चीजें क्लियर होंगी डेफिनेटली, ठीक है ना। अब एक चीज जो कि लास्ट में आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जो जीए को पढ़ने का तरीका है, सिर्फ एक चीज मैं ऐड करूंगा, जीए को पढ़ने का तरीका वो नहीं रहा कि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, एक लाइन पढ़ी और आप आगे बढ़ गए दूसरे करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको स्पॉटलाइट में नेहा मैम सारी डिटेल्स देती हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर न्यूज, ठीक है, आपको उसी तरीके से पढ़ के जाना है, एक भी चीज आपको स्किप नहीं करना है। सिमिलर इज द केस ऑफ पीआईबी 247, जो आपको पीआईबी 247 की पीडीएफ मिलती है उसमें सिर्फ आपको करंट अफेयर जो कि न्यूज में है वो नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड डिटेल्स भी पढ़नी है। लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल अभी कल के आई थिंक आज के ही सेशन में, एक दो दिन पहले के सेशन में आई बिलीव नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन चुने गए थे, तो मैंने आपको बताया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, ऑलराइट, बताया था या नहीं बताया था। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको डिटेल, आपको करंट अफेयर्स को इंटरनलाइज करना है, आपको करंट अफेयर्स को अपना डेली मतलब लाइफ का पार्ट बनाना है, ओनली देन आप 80 में से एक अच्छा डिसेंट स्कोर मार्क्स स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट। और अगर जीए खराब हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फेज वन की कट ऑफ को क्लियर करना। ऑलराइट, आई होप गाइज यू गॉट माई पॉइंट्स एंड दैट्स इट, यही मेरा मैसेज था आज के लिए, आई होप द मैसेज इज क्लियर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल पिक अप सम अनदर क्वेश्चन जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, राइट। टिल देन कीप वॉचिंग anujjindal.in, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।